नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज रात्रि 3:30 बजे से ब्रह्मांड की सबसे शुभ राशि बनने वाली है आपकी राशि। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपको अपने जीवन काल को बेहतर बनाने के लिए यह चार चीज़ों से मुंह मोड़ना पड़ेगा। जी दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह चार चीज़ें ही है, ये चार चीजें हैं जिनकी वजह से आप अपने जीवन काल में आगे नहीं बल्कि पीछे जा रहे हैं। जय दोस्तों, तो दोस्तों हमारा आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों आज के इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। जय दोस्तों, इनमें जो भी ज्ञान आपको मिलने वाले हैं, जो भी जानकारी आपको मिलने वाले हैं, यकीन मानिए दोस्तों आपके आने वाले जो भी समय है बिल्कुल ही वह बदलने वाले साबित होंगे। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दें जय हनुमान। महाबली हनुमान जी का अशुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। हम आप सभी को बता दें कि बदलते ग्रहों के चाल के साथ साथ हमारे जीवन काल में भी बदलाव होते रहते हैं। जय दोस्तों, अगर हम समय के साथ खुद को नहीं बदलते हैं तो दोस्तों हमारे जीवन आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाता है। जय दोस्तों, अगर हम समय के साथ अपने जीवन काल में भी कुछ बदलाव करते हैं तो दोस्तों देखते ही देखते हमारे जीवन काल में भी परिवर्तन होते हैं। दिन दुगनी रात चौगनी के राह पर हमारा भविष्य चलने लगता है। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही चीज़ें हैं जो कि आज रात्रि 3:30 बजे से आप सभी के जीवन काल में आपको नहीं करनी है। जे दोस्तों आने वाले भविष्य में इन बातों का आपको ध्यान रखना है। जे दोस्तों, क्यों दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज रात्रि 3:30 बजे से ग्रहों की जो स्थिति बनने वाली है, ग्रहों में जो भी गोचर होने वाले हैं दोस्तों आपकी राशि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, जो कि आपकी राशि को सबसे शक्तिशाली राशि बनाने वाली है। तो दोस्तों ऐसे में आप कोई भी गलती ना करें और दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लें, क्योंकि दोस्तों इसी वीडियो में आपकी जीवन की सभी महत्वपूर्ण बातें हैं। आने वाले समय में आप कैसे अपने जीवन काल में सफलताओं को अर्जित कर पाएंगे, कौन सी बड़ी खुशखबरियाँ अब आपको मिलने वाली है, कौन कौन से बड़े चमत्कार अब आप शिव के जीवन काल में होने वाले हैं या ग्रहों के बदलाव के कारण, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही मधुर और महत्वपूर्ण कहानी से, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में बहुत ही ऊर्जा का निर्माण करेगा, बहुत ही अच्छी शक्तियां जागृत करने वाली है। तो दोस्तों इन्हें भी आप बहुत ही गौर से सुने कि दोस्तों एक बार एक संत ने एक भक्त से पूछा कि हम ठाकुर जी के आगे भोग धरते हैं लेकिन भोग कम नहीं होता, इनका मतलब ठाकुर जी हमारा भोग नहीं स्वीकार करते। तब संत ने कहा कि जिस तरह फूल से सुगंध सूंघ लेने से उसका वजन कम नहीं होता, ऐसे ही भगवान रसमय स्वरूप है, वो भोजन का दिव्य रस ग्रहण करते हैं, इसलिए भोग कभी कम नहीं होता। अब जब भी आप सब ठाकुर जी के आगे भोग रखें तो इसी विश्वास के साथ रखें कि भोजन कम हो या ना हो, ठाकुर जी ने हमारा रस रूप में ग्रहण कर लिया। जी दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो या बातों को आप सुन पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें सच्चे मन से जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों सके साथ बात करते हैं कि आज रात्रि 3:30 बजे से जो ग्रहों में बदलाव होने वाले हैं, इनके अनुसार आपको भी अपने जीवन काल में कौन से चार चीजें हैं जिनसे आपको मुंह मोड़ लेना चाहिए, ताकि दोस्तों आने वाले समय में आपको किसी भी संकट समस्याओं का सामना ना करना पड़े। जी दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जब भी आप अपने जीवन काल में कार्य करते हैं, बहुत ही मेहनत और बहुत ही लगन के तरीके से कार्य करते हैं, जब तक आपको उस कार्यों में सफलता की प्राप्ति नहीं होती तब तक आप उस कार्य पर लगे रहते हैं। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज से आपको अपने जीवन काल में कुछ परिवर्तन इनमें लाना चाहिए। जी दोस्तों, आप जिस भी कार्य पर लगते हैं तो दोस्तों उनमें आप बहुत ही गहरे तरीके से डूब जाते हैं, लेकिन दोस्तों वह कार्य आसानी तरीके से भी आपका हो सकता है, कभी आप उसके बारे में गौर नहीं करते। जी दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास रहता है, आप मेहनत करते करते 1,000 रुपये दिन भर में कमा लेते हैं, लेकिन दोस्तों वहीं आपके पड़ोसी वर्ग के जो भी व्यक्ति हैं अपने माइंड से कार्य करके एक दिन में लाखों की कमा लेते हैं, एक दिन में वह 10,000 तक कमा लेते हैं। तो दोस्तों आपको भी अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखना है कि जिन कार्यों में आप मेहनत कर रहे हैं क्या वाकई उस कार्यों में उतना मेहनत लगता है, क्या उनसे आसानी तरीके से भी आप उनमें कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अपने आने वाले जीवन काल में इस बात का ध्यान रखना है कि दोस्तों आज के इस दौर में पैसों का जो दौर है दोस्तों बहुत ही तेजी तरीके से बढ़ रहा है,
इनमें थोड़ा सा आपको माइंड भी लगाना होगा। दोस्तों कहने का मतलब यही है कि दोस्तों अब अपने जीवन काल में आप हार्ड वर्क के साथ साथ ही स्मार्ट वर्क पर भी जरूर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों हम आपको बता दें कि अगला जो कार्य है जिनसे आपको मुंह मोड़ देना है वह दोस्तों है गलत संगत और बुरी आदत। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें अक्सर आप जो चीज़ों को नहीं भी करना चाहते हैं, आपके दोस्त वर्ग जो है दोस्तों वही आपको शिकार पर बहलाते हैं, आपको फुलाते हैं और आप गलत संगत में लगकर बुरी आदतों का भी शिकार हो जाते हैं। जी दोस्तों, जिस कार्य को आप नहीं भी करना चाहते हैं वो दोस्तों आपकी गलत संगति है जो आपको ले जाकर बुरी आदत में लगा देते हैं और वह आदत आपका छूट नहीं पाता है और दोस्तों जीवन भर आप अपने आप को कोसते रहते हैं। तो दोस्तों अब से जब ग्रहों की स्थिति शुभ बनने वाली है तब दोस्तों आपको अपने जीवन काल में इन बातों का ख्याल रखना है कि दोस्तों जो भी आपकी बुरी आदतें हैं, जो भी आपके जीवन काल में गलत संगत के लोग हैं, बुरी भावना के लोग हैं, दोस्तों उनसे आप दूरी बना लें। क्यों दोस्तों, आने वाले भविष्य में ये सभी आपको काम बिल्कुल भी नहीं देने वाले हैं। जहाँ तक आपके माथे पर इनसे डिप्रेशन ही होगा, चिंताएँ होंगी और परेशानियाँ ही आपके जीवन काल पर बढ़ने वाली है। तो दोस्तों आप अपने जीवन काल में अब इन बातों का ख्याल रखें। जय दोस्तों, और दोस्तों तीसरा चीज है कि ज्यादा गुस्सा मत करें। जी दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपके जीवन काल में बहुत ही बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों गुस्से में लिया गया निर्णय कभी सही हो ही नहीं सकता, अच्छा अच्छा कार्य भी गुस्से में बिगड़ जाता है। तो दोस्तों अपने जीवन काल में गुस्सा करते हैं तो दोस्तों इस पर भी आप अपने जीवन काल में आने वाले समय में कंट्रोल करें, क्योंकि दोस्तों इनसे आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे तो दोस्तों सोचने की जो क्षमता होगी वो आपकी बढ़ेगी और हर कार्यों में आप माइंड से काम लेंगे, जिससे दोस्तों तरक्की का राह भी आपका बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें। इसके उपरांत दोस्तों चौथा आता है कि कार्य होने से पहले किसी को ना बोलें और ना ही किसी के ऊपर आंख मूंद कर यकीन करें। जी दोस्तों, आप अपने जीवन काल को आगे बढ़ाने के लिए खुद को उसमें सम्मिलित करें। जी दोस्तों, कभी भी किसी और पर यकीन करके किसी कार्य को उनके हाथों में बिल्कुल ना सौंपें, क्योंकि दोस्तों ये आपकी गलती हो सकती है। जहां पर आप ना जाएं उस कार्य को किसी को भी ना दें, अपने आंखों के सामने ही आप हर कार्य को करें, क्योंकि दोस्तों इनसे आपके जीवन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव होंगे और आने वाले समय में आपके हाथों कोई भी गलतियाँ होंगी ही नहीं और आपका जीवन बहुत ही सफल रहने वाले हैं। दोस्तों आज रात्रि 3:30 बजे से आप सभी को अपने जीवन काल में ये चार चीज़ों से मुंह मोड़ना होगा। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों के साथ बात करते हैं कि आज रात्रि 3:30 बजे से आप सभी के जीवन काल में जो ग्रहों की स्थिति बनी है इनके कारण कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियाँ आपको मिलने वाली है प्रत्येक क्षेत्र में। तो आए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यशो में आपके जीवन में कोई अप्रत्याशित घटना घटित होने की संभावना बन रही है जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि आपसे रिश्तेदारों के संबंध में जो भी लोग हैं उनकी नज़दीकियाँ इसमें बढ़ने वाली है। बच्चे के अनुशासित व फिर आगे कार्य रहने की वजह से आपके मन में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता रहने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यशमी, आपकी अगर सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों इस बात का आपको यशमी ध्यान रखना चाहिए कि कोई आपके नज़दीकी रिश्तेदार या फिर मित्र की जलन की भावना से आपकी छवि खराब हो सकती है, ये आप यशमी प्रयास करने वाले हैं। तो दोस्तों इन समय जो भी लोग आपके आसपास हैं इनसे आप सावधान रहें। इसके उपरांत दोस्तों यशमी, किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले उनके पहलुओं पर पूरी तरह से विचार विमर्श करना आपके लिए बहुत ही बेहतर होंगे, तो दोस्तों जरूर उन पर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यशमी, आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि आपका अधिकतर ध्यान केवल अपने कार्य या फिर खुद की जीवन शैली को सकारात्मक बनाने के लिए बीत सकता है। दूसरों के द्वारा मिल रही जो है आलोचना को नजरअंदाज करके आप अपनी योजना पर ही टिके रहने की और अपने काम से संबंधित बातों को और अधिक बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशो में आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों आपका भाग्य की अपेक्षा कर्म पर अधिक विश्वास आपको करना चाहिए। यश में आपको अत्यधिक सकारात्मक बदलाव भी नजर आने वाले हैं। ये जो समय है बहुत ही शुभ समय होगा और ग्रह स्थिति भी यश में आपके लिए शुभ बनी हुई है। इसके साथ ही दोस्तों लाभ के भी नए मार्ग यश में प्राप्त होंगे। किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह संबंधी कार्य में भी व्यस्तता बनी रहेगी। इसके साथ ही दोस्तों ध्यान रखें कि घर में कोई छोटी सी बात को लेकर बड़ा मुद्दा भी बन सकता है।
घर में सभी समस्याओं को आपस में मिल बैठ कर सुलझा लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। कभी कभी अति आत्मविश्वास ही आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। तो दोस्तों यशमी, इनसे सावधान रहें, अपने व्यवहार को जो है सीमित बनाकर रखना इसमें आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो इन सब चीजों पर आपको इसमें ध्यान देना चाहिए। इसको प्रणाम दोस्तों, यशमी आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि अपने विचारों के द्वारा खुद प्रबंध बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको व्यक्तिगत दायरे से बाहर निकलना खुद के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए दोस्तों मिल रहे अवसर का भी पूरी तरह से फायदा उठा पाना आपके लिए कठिन होगा। इसको प्रणाम दोस्तों, यशमी आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों यशमय ग्रह स्थिति कुछ लाभदायक परिस्थितियां का निर्माण भी कर रही है, इसलिए समय का भरपूर सदुपयोग करें। चल रही किसी पुरानी समस्या का भी यशमय हल मिलेगा, जिनसे आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा और अधिक सुकून यशमय आप महसूस करेंगे। परिवार के बड़े बुजुर्गों के प्रति सेवा का भाव रखें तथा उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। दोस्तों ये आपके लिए भाग्योदय कारक रहेगा। इसको प्रणाम दोस्तों, किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी बातचीत या फिर महत्वपूर्ण काम करने से पहले पूरी तरह छानबीन तथा जांच पड़ताल अवश्य करें।